जयपुर की बड़ी चौपड़ पर व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन तीन दिन पहले जो घटना हुई थी जिसमें एक भीड़ बाजार में घुस आई थी, अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में थोड़े से तनाव टकराव की स्थिति चल रही है। यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़े, उनको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है और यहीं पर इस वजह से लगातार यहाँ पर अलग अलग जगह पर तनाव की स्थिति बनती जा रही है। और पोस्टर देखिए, इस पोस्टर से समझ पाएंगे, पहले कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बड़ी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से ये बड़ी चौपड़ के अंदर, ये बड़ी चौपड़ है शहर का हार्ट जिसे कहा जाता है, और चार इसकी जो रोड है, चारों रोडों पर अभी इस वक्त प्रदर्शनकारी हैं। और ये प्रदर्शन व्यापारियों का था, यहाँ के व्यापारी है उनका ये आरोप था कि तीन दिन पहले जो रोड रेज की घटना हुई थी यहीं पास में, इसी के पास में गंगापोल इलाके में, उसमें ये आरोप ये लगा था कि उस रोड रेज की घटना में जब एक समुदाय विशेष के यानी मुस्लिम समुदाय के युवक की हत्या हो गई थी, उसके बाद में भीड़ उग्र हो गई और इस साइड से, मेरे सामने की साइड से भीड़ आई और यहाँ व्यापारियों का आरोप है कि उनकी दुकानों में लूटपाट की गई। ये जो कैमरा पर्सन मनीष आपको तस्वीरें बताता रहे हैं रामगंज की ओर से, वो पूरी रोड खाली नजर आ रही है क्योंकि बैरिकेड लगाकर पुलिस ने बंद कर दिया गया, भीड़ उधड़ने पड़े हैं जिससे कि दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति न हो। यहाँ पर यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि टकराव की स्थिति नहीं बने, ये जो प्रदर्शन है वो सांप्रदायिक तनाव की वजह ने बन जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर नारे लग रहे हैं, अलग अलग कुछ जगह मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। क्या भैया क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई साहब, अवैध पैसे लिए इन्होंने हमसे और व्यापारियों को धमकाया है, बहनों को धमकाया है, सबको डराया है इन्होंने। कब? 29 तारीख को एक लड़के की मौत हुई थी जिसमें किसी भी हिंदू का दोष नहीं था, फिर भी इन्होंने हिंदू को डराया, धमकाया, सरकार से 50 लाख मुआवजा लिया, एक दूध की डेयरी ली, एक सरकारी नौकरी ली, उसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को दबाया। और अब हमारी ये मांग है, जबकि उसमें किसी हिंदू की गलती नहीं है, तो पैसे वापस मिलने चाहिए सरकार को। तो आप देखिए कि ये नाराजगी, हम कोशिश करेंगे कि थोड़े प्रदर्शन में पीछे दिखाने की, यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब कन्हैया लाल ये तस्वीरें, नाराजगी, आप देखिए कि विवाद क्या है, मुद्दा इस बात को लेकर है कि 29 तारीख को जब यहाँ पर जो भीड़ है, जिस रोड रेज की घटना के बाद में भीड़ यहाँ घुसी थी, लूटपाट की थी, धमकियाँ दी थी, उनका यह आरोप है कि व्यापारियों का कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, जबकि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया था, तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसी को लेकर ये गुस्सा है और नाराजगी है। और सरकार पर, गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष का तुष्टिकरण कर रही है और यहाँ पर जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए व्यापारी है उनको दबाया जा रहा है। तो ये नाराजगी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जाहिर तौर पर ये प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हो रहा है, ऐसे वक्त पर तनाव की स्थिति जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन का किस तरीके का असर होता है। भाई साहब, ये बताएं कि क्या आप प्रदर्शन में हैं, मतलब क्या अब क्या नाराजगी है? ये नाराजगी यही है कि एक विशेष समुदाय ने हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया है कि हमने ये मोब लिंचिंग करी है हिंदुओं ने। क्या नाराजगी? ये जो तुष्टिकरण की राजनीति आज प्रदेश में चरम पे चल रही है, जो कि एक शांति प्रिय जयपुर राजधानी, जो कि शांति के लिए जाना जाता था, पर्यटन के लिए जाना जाता था, इसको अराजन कर रहा तुष्टिकरण सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है कि पुलिस प्रशासन के सामने पुरैती के कटड़े में घुसकर व्यापारियों के साथ लूटपाट की जाती है, अभद्रता की जाती है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि प्रशासन की मौजूदगी में सारी घटनाएं हो रही है और एक धर्म जिन्होंने लूटपाट की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है, दिखावा हो रहा है। एक सड़क एक्सीडेंट को तो मॉब लिंचिंग का रूप दे दिया गया, जबकि बड़ी घटनाएं हुई है। यहाँ पे आज पुलिस प्रशासन है तो पाऊ का, और उस दिन तो पुलिस प्रशासन भी नहीं था क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे पुलिस भी नहीं आई। यहाँ पे आज कांग्रेस की सरकार है तो पुलिस है और हिंदू है। आप बताएं आपकी क्या बात, क्या हुआ, बताएं क्या हुआ? यही हमारी तो यही मांग है। तो आप देखिए कि अब यह देखिए कि यहाँ पर इस वक्त यहाँ कई जगह पर रामदिन हो रही है, कई जगह पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण रहे, माहौल नहीं बिगड़े,
तनाव की स्थिति ने हो, शहर में शांति बनी रहे, मांगे लोग अपने अपने तरीके से रखें, लेकिन क्योंकि अब हिंदूवादी संगठन आ गए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता आ गए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रंग रूप कहीं सियासी रंग रूप भी लेता आ रहा है।